बीते दिनों शहर के खेड़ापति हनुमान मंदिर क्षेत्र में हुई आगजनी, तोड़फोड़ और मारपीट की घटना के मुख्य आरोपी बंटी उपाध्याय को पकड़ने में कोतवाली पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने इस आरोपी को बैतूल और होशंगाबाद के करीब से पकड़ा है। इस आदतन अपराधी पर कई पुराने मामले भी दर्ज हैं। पुलिस इस पर जल्द ही रासुका की कार्रवाई करने वाली है। पूरे मामले का खुलासा खंडवा SP विवेक सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। पुलिस के मुताबिक होशंगाबाद और बैतूल क्षेत्र के पास यह सर मुड़ाकर घूम रहा था। पुलिस ने इस पर पूर्व में इनाम भी रखा था, इसे बढ़ाकर अब 20,000 रुपए कर दिया गया है। अन्य लोगों से मारपीट करना और इसके तारतम्य में लगातार 6 FIR के विरुद्ध दर्ज की गई थी और पुलिस की टीम द्वारा लगातार उसकी तलाश की जा रही थी और क्षेत्र में एक माहौल बना था जिसको लेके पुलिस लगातार वहाँ सक्रिय हो गई थी और इस आरोपी की गिरफ्तारी को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाते हुए लगातार पूरे शहर की पुलिस उसमें लगा के और जहाँ जहाँ भी जैसे जैसे भी जानकारी मिली थी उस आधार पर टीम्स को रवाना किया गया था और जिसके आधार पर आज हमको इस आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है और इसको हमने रासुका NSA के अंतर्गत जो वारंट है उसके अंतर्गत इसको गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद जो ये अपराध है उसमें इसकी गिरफ्तारी शुमार की जाएगी और उससे पूछताछ करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। हाँ, इसके ऊपर पहले 10,000 का मैंने घोषित किया था, उसके बाद तत्काल एक दिन बाद ही इसको एक पर DIG सर की तरफ से 20,000 रुपये इनाम इसमें घोषित करवाया। सर, पूर्व में किस तरह के अपराध हैं इस पर और कितना कुख्यात अपराध है? कुल मिला के इसके खिलाफ 28 से 29 अपराध हो चुके हैं जिसमें 6 ये अभी के अपराध हैं, 2 अपराध जो है वो 6 तारीख के हैं, 6 जनवरी के, तो कुल मिला के 8 अपराध इस जनवरी वहाँ के, उसके पहले के भी इसके 21 अपराध और इसके अपराध जो है ये सट्टे का भी अपराधी रहा है, शराब का भी हो रहा है, मारपीट का भी लगातार है और 307 का भी एक प्रकरण इसके ऊपर दर्ज है। बीच में जो है 2018 में एक बार जिला बदल हुआ था, फिर 2019 में 307 में एक साल जेल में रहा था और उसके बाद अभी आया था तो उसके कुछ समय के लिए साधारण जिंदगी जी रहा था और अपने दिनचर्या में लगा था लेकिन फिर इसको कुछ ऐसा ही बताया रहा है कुछ नुकसान हो गया इसके काम धंधे में, उसके बाद से फिर ये असंतुलित होकर इस तरह से अन्याय फिर से करने लगा था। इसको होशंगाबाद के बॉर्डर से लेके आए, इसको होशंगाबाद के आगे और बैतूल के बॉर्डर से। ये अभी जो विगत 6 तारीख के अपराध के बाद इसने जब आया है तो फिर अपने बालों को पूरा साफ करा लिया था। दिनांक 20 और 21 जनवरी को एक बंटी नाम के आदतन अपराधी ने गणेश तलाई के कोड़िया हनुमान मंदिर क्षेत्र के रहवासियों को लगातार परेशान किया था जिसमें कई सारी आपराधिक घटनाएं उसने की थी जिसमें 2 घरों में आग लगाना, 1 में अंदर 1 में बाहर, 1 ऑटो को जलाना, 1 मंदिर में तोड़फोड़ करना और इसके अतिरिक्त 1 दिन पहले भी 2 लोगों के साथ मारपीट करना, इस प्रकार से कई अपराध उसने लगातार किए थे जिसमें 6 FIR इसके खिलाफ 20 और 21 की घटनाक्रम को रखते हुए किए गए थे और इसके बाद से तत्काल पुलिस की टीम से इसको पकड़ने के लिए एक्टिव हुई थी और क्षेत्रवासियों में चाहे वो सभी समाज के हिंदू और मुस्लिम सभी ने इसके खिलाफ एक स्वर में बोला था कि इसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो और जिसके आधार पर पुलिस की टीम इसकी तलाश कर रही थी और इसको आज हमने होशंगाबाद के अंदरूनी इलाके से उसमें बैतूल के बॉर्डर से इसको गिरफ्तार किया है और इसको NSA के वारंट में इसकी गिरफ्तारी करके और बाकी जो अपराध है उसमें गिरफ्तारी इसकी शुमार की जाएगी। किस तरह की कार्रवाई की गई इसके खिलाफ? जैसा कि था कि कठोरतम कार्रवाई करनी थी इसलिए इसके खिलाफ रासुका के अंतर्गत इसको गिरफ्तारी की गई है और बाकी जो 6 अपराध है उसमें भी इसकी गिरफ्तारी शुमार की जाएगी और जो जो अपराध है उसमें जो विवेचना की जाएगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई भी, अग्रिम धाराएं भी इसमें जोड़ी जा सकती हैं।